नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर रेल डाक सेवा के कर्मचारियों को इस कोरोना महामारी में सैनिटाइजर ग्लव्स मास्क न मिलने से कर्मचारी नाराज हो गए हैं। सैनिटाइजर ग्लव्स मास्क न मिलने से नाराज हुए मुजफ्फरपुर रेल डाक सेवा के कर्मचारियों ने बताया कि जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों को सैनिटाइजर ग्लव्स और मास्क नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक दफ्तर को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है और साथ ही सबसे दुखद बात तो यह है कि बाहर से जो भी कुरियर वस्तु आते हैं वह बिना सैनिटाइज किए हुए हम लोगों को छूना पड़ता है, जो खतरे से कम नहीं है। इस कोरोना वायरस की महामारी में हम लोग जब घर से निकलते हैं तो परिवार के सदस्य कहते हैं कि इस तरह से जान जोखिम में डालकर कार्य मत कीजिए, लेकिन फिर भी हम लोग ड्यूटी करने आ जाते हैं। हमारे यहाँ कई राज्यों से कुरियर आते हैं जिनको बिना सैनिटाइज किए हुए और बिना ग्लव्स पहने हुए छूकर कार्य करना पड़ता है, जिसको लेकर हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। यहाँ 3 शिफ्ट में कर्मचारियों का काम बटा हुआ है, जिसकी संख्या लगभग 70 है। किसी भी कर्मचारी को कोरोना से बचने के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं की गई है और साथ ही साथ जब हम लोग काम करने के लिए यहां आते हैं तो रास्ते में पुलिसकर्मी हमें रोकते हैं, इसके लिए भी एक पास निर्गत किया जाए। इन समस्याओं का आखिर निदान कब होगा? इन लोगों की समस्याओं को सरकार कब सुनेगी? ऐसी ही घटना को देखते हुए कहीं यह बीमारी बढ़ ना जाए, अब तो सरकार को जल्द ही इन सब पर जल्द कार्रवाई करनी होगी। हो रही है, कोई आपूर्ति नहीं है, काम जान का खतरा हो गया है कोरोना को देखते हुए। अब ऐसा होगा तो हम लोग काम बंद करना होगा। कौन सा डिपार्टमेंट? रेल डाक सेवा मुजफ्फरपुर, जिसका स्पीड पोस्ट है। कितना कर्मचारी काम करते हैं यहाँ? यहाँ तो 21 कर्मचारी हैं। क्या शिफ्ट में काम चलता है? 3 शिफ्ट में चलता है। कोई शिफ्ट को नहीं मिला है? किसी शिफ्ट को नहीं मिला है। क्या मांग करना चाह रहे हैं? सारे सामान का आपूर्ति होना चाहिए, विभाग ऑफिस का सैनिटाइजर होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए। क्या परिचय हुआ अपना? हरमेंद्र कुमार नाम, सॉर्टिंग असिस्टेंट। अच्छा,